नमस्कार, खबर सर हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और खबरों में आज बात करते हैं एक ऐसे मर्द की जिसने दिया है बेटी को जन्म। जी हाँ, ब्रिटेन में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मर्द ने बच्चे को जन्म दिया है। ब्रिटेन में 21 साल के एक पुरुष ने एक बच्ची को जन्म देकर सबको हैरान कर दिया। स्पर्म डोनर की मदद से हेडन क्रॉस नामक शख्स ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। इस मर्द से जन्मी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। बच्ची को जन्म देने वाले हेडन उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब जनवरी में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेडन ने बीते 16 जून को एक बच्ची को जन्म दिया था। इस बारे में परिवार ने 6 जुलाई को जानकारी दी। सर्जरी की मदद से हेडन की डिलीवरी कराई गई। ब्रिटेन के जाने माने ग्लौस्टरशायर रॉयल अस्पताल में हेडन क्रॉस ने अपनी बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम ट्रिनिटी लीफ रखा है। हेडन बच्ची को जन्म देकर बेहद खुश हैं और उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी बेटी के सबसे बेस्ट पापा बनकर दिखाएंगे। हालांकि हेडन के परिवार वाले इस बात से खुश नहीं हैं। दरअसल हेडन का जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था, लेकिन शुरुआत से ही उसमें महिलाओं वाले लक्षण नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने सेक्स चेंज कराने का फैसला लिया और इसके बाद हार्मोन थेरेपी लेने लगा। महिला से पुरुष बने क्रॉस कानूनी रूप से 3 साल से एक पुरुष के रूप में रह रहे हैं और वो ब्रिटेन के पहले मर्द बन गए हैं जिन्होंने बच्ची को जन्म दिया। लिंग परिवर्तन करवाने से पहले हेडन चाहते थे कि वो अपना स्पर्म प्रेस्ट करवाए, लेकिन ब्रिटेन के सरकारी नेशनल हेल्थ सर्विस ने उन्हें अपना शुक्राणु फ्रीज करने की प्रक्रिया से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक की मदद से स्पर्म डोनर को ढूंढा और वो गर्भ धारण करने में सफल हो पाए।